हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रामिंग मोड। आज का हम ये देखेंगे कि हम किस तरह HTML, CSS और JavaScript को यूज़ करके एक सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं बनाऊंगा आगे तो आप तक पहुंच सके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बटन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक के सिंपल कैलकुलेटर हम किस तरह बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना के रखी हुई है यहाँ पे, और एक ऐप डॉट जे एस जावास्क्रिप्ट के लिए ऐप डॉट जे एस, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के लिए बना के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, उसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, फाइल नाम का चेंज कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाई है? ये जो है ये सी एस एस के लिए बनाई है, ये एच टी एम एल के लिए बनाई है, और ये बनाई है मैंने जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आपके मैंने इसको लिंक करा हुआ था, वापस आपको लिंक करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टाइटल में दे रहा हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, आज हम कैलकुलेटर बनाने वाले, तो मैं कैलकुलेटर का यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, और अपनी सीएसएस की फाइल को और जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं किस तरह लिंक कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर सीएसएस की फाइल लिंक करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली लिंक, ये पूरा आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। एच टी एम एल में क्या देंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। इसी तरह स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, सोर्स, कि मैं स्क्रिप्ट कहाँ से ले रहा हूँ, ऐप डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूंगा जेएस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं मैंने अपनी एचटीएमएल की फाइल को, नहीं सॉरी, सीएसएस की फाइल को और जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ से लिंक कर दिया है अपनी एचटीएमएल की फाइल से। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी अपना एचटीएमएल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर हम किस तरह बनाएंगे ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डिफ का यूज़ करूँगा, याद रखिएगा कि एच टी एम एल में अगर आपको अगर आपको एक अच्छी ऐप बनानी है तो आप डिफ का यूज़ कर सकते हैं। डिफ काफ़ी यूज होता है हमारी एप्लीकेशन में, तो डिफ मैंने टैग बना दिया है, और डिफ के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, कॉर डिफ ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिफ की मैं यहाँ पे क्लास रखा हूँ, क्लास मेन के नाम से, और जो मैंने एक और डिफ बनाया है ये मैंने बनाया है इनपुट के लिए बनाया है मैंने यार डिफ। यहाँ देख सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, इनपुट लूंगा यूज़र से, जो आप कैलकुलेटर में देखते हैं मैं किस तरह यूज़र से इनपुट ले रहा होता हूँ वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इनपुट टाइप में टैक्सी दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे मुझे। अब मैं यहाँ पर एक और डिप यूज़ कर रहा हूँ, डिप बना रहा हूँ एक और इसमें मैं आपने देखा होगा हमारे इनपुट में, मैं अगर कैलकुलेटर बना दिखाऊँ आपको, कैलकुलेटर होना चाहिए यहाँ पे, देख सकते हैं आप कैलकुलेटर हमारा किस तरह होता है। या आप अगर देखेंगे कैलकुलेटर तो ये आपको नंबर आ रहा होगा कि यहाँ पे आप यूजर से जो भी लिख रहे होते हैं वो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ से कितने दूर होता है, तो ये जो है ये बटन है हमारे सारे जितने भी हैं, ये नंबर जो है सारे बटन है। हमारा बटन बनाने पड़ेंगे, हमें कौन कौन से बटन बनाने पड़ेंगे, एक क्लियर का बटन बनाना पड़ेगा, एक 7, 8, 9 ये हमें बटन बनाने पड़ेंगे, और ये सारे बटन बनाने पड़ेंगे हमें, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इक्वल ये बटन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया हम कैलकुलेटर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं, हमने टैग्स को ले लिया है, हमने यूजर से एक इनपुट, मतलब जो हमें डिस्प्ले कराना होगा वो हमें इनपुट टाइप टैग्स ले लिए यहाँ पे। अब दूसरी हम यहाँ पे बटन बना रहा हूँ मैं, बटन मुझे कितने जरूरत पड़ेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन में कितने बटन की जरूरत पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 बटन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लें मैं 4 बटन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बटन मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे देख लें 4 बटन मेरे पास बन के आ जाएंगे। मैं फर्स्ट बटन में ले रहा हूँ यहाँ 7, एट, नाइन एंड क्या था यहाँ पे, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 9 के बाद क्या था, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई ले रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई को मैं एक्स लिख रहा हूँ। आप अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, कंट्रोल को सेव करके अपनी फाइल पे जाके अगर मैं अपने राइट क्लिक करूं इसके ऊपर और रिवीजन फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊं और यहाँ पे मैं इसको ओपन विद करूं,
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देख रहे हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है अभी हमारे पास जीरो को, मैं यहाँ पे रुक रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास इनपुट के लिए नंबर, इनपुट के लिए मेरे पास बॉक्स बन के आ गया, और यहाँ पे मेरे पास चार बटन यहाँ पे बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। इसी तरह मुझे नीचे भी चाहिए होंगे, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक और डिप बनाता हूँ यहाँ पे। हर लाइन के लिए अलग डिप बनेगा, याद रखिएगा, हर लाइन के लिए अलग डिप बना रहे हैं हम यहाँ पे। सेवन फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बना रहा हूँ, डिवाइड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिवाइड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल डिवाइड बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर वापस वापस एक और डिप बनाता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वन टू, अब आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड प्लस करते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर किस तरह बन के आया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। अब हमें एक और लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिप नहीं बनाई, क्या डिप बनानी जरूरी थी, याद रखिएगा कि हर लाइन के लिए अलग डिप बनाएंगे। मैं एक और डिप बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेटर देखूँ तो लास्ट लाइन में क्या है, जीरो डॉट इक्वल और प्लस। क्लियर का बटन है, वो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे क्लियर का बटन। जीरो डॉट इक्वल, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्लस, तो मेरे को बना, तो यहाँ पे माइनस बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्लियर का बटन जो है वो मैं यहाँ पे, क्लियर के बटन जो है उसके लिए मैं एक अलग डिप बनाया था, उस स्टार्ट में डिप बटन, और इसकी टाइप में क्या रख रहा हूँ, टाइप रिसेट रख रहा हूँ। रिसेट का मतलब क्या होता है कि सब क्लियर कर दो, तो कैपिटल सी से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ चुका है, ये बटन आ चुके हैं, ये हमारे पास इनपुट आ चुका है। अभी मैंने CSS यूज़ नहीं करी, अब सिंपल मैंने HTML आपको दिखा दी कि HTML से हम किस तरह बनाएंगे। अब यूज़ करते हैं हम CSS। अब है मेन CSS की, यहाँ पे CSS यूज़ करना है हमें, तो आप देख लें मैंने कौन कौन सी क्लास बनाई हुई। एक मैंने मेन डिप जिसकी क्लास मेन रखी हुई है, और यहाँ पे इनपुट टैग्स रखा हुआ है, इसकी भी मैं अगर क्लास रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, क्लास इनपुट, ऐसी क्लास इनपुट रख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डॉट मेन, डॉट मेन क्लास यूज करके मैं यहाँ पे सबसे क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी, आप कोई सा भी दे, मैं यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ब्लू टाइप ये देखने कैसा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जूम करा हुआ है, हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का आया है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर को, येलो रख लेते हैं, येलो येलो हमारा जो कैलकुलेटर है उसका एक कलर मैंने येलो रख दिया, देखना येलो कलर आ गया यहाँ पे। अब देख लें मैं यहाँ पे जो हमारी मेन डिप है, देख लें, अब इसका मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, विड्थ विड्थ में दे देता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ स्मॉल हो गई, आपने देख लिया, आपकी मर्जी आप कितनी विड्थ देना चाहते हैं। मैं हाइट थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, मैं हाइट दे रहा हूँ यहाँ पे, हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल, और स्मॉल हो गई यहाँ
यहाँ पे मुझे दावा देनी थी 200 पिक्सल मैंने हाइट थी, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी हो गई, तो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं यहाँ पे। 170 पिक्सल इज बेटर मेरे ख्याल से, 170 पिक्सल बेटर है। अब हम क्या करते हैं इसके, हमारा जो मेन डिवाइस उसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैं दे देता हूँ इसका, कलर सही रहेगा ग्रे कलर, ग्रे कलर का हमारा बैक बॉर्डर सही रहेगा। इसको मैं आपको रंग के दिखाता हूँ, ये देख लेते हैं हमारा बॉर्डर किस तरह आ गया है, ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया है, और यहाँ बटन है, बटन को भी हम सही करेंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन पहले हमारा ये देख लें आप कि हमारा बैकग्राउंड हमारा सही हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पर इनपुट, यहाँ देख लें आप, हमें इनपुट की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करनी है यहाँ पे, तो हम इनपुट की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं और इनपुट का कलर हम यहाँ पे नल कर देते हैं। क्या है मेन में मैं यहाँ पे क्लास ले रहता हूँ, इनपुट की क्लास डॉट इनपुट की क्लास में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इनपुट का बैकग्राउंड कलर जो करूँ वो मैं बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या है आपने देखा होगा हमारे कैलकुलेटर में कोई कलर नहीं नजर नहीं आ रहा होता जब हम इनपुट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर का, हमारा जो इनपुट है उसका कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब कुछ सिंपल में लिखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसका बॉर्डर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, बॉर्डर दे देता हूँ मैं बॉर्डर 1 पिक्सल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर में देता हूँ यहाँ पे लाइट ग्रे में यहाँ पे इसका बॉर्डर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया। मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करनी है इनपुट के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं, विड्थ 100 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसकी, तो चेक कर लेते हैं कितनी हो गई, और स्मॉल हो गई तो 250 पिक्सल करके देख लेते हैं, ज़्यादा हो गई 210 पिक्सल करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी स्मॉल करनी पड़ेगी मुझे 180 पिक्सल। ये देख लें हमारी तकरीबन बेटर है, अब सही हो चुकी है हमारी लाइन विड्थ जो है सही हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 5 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट में कितने दे रहा हूँ 5 पिक्सल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो इसकी थोड़ी सी विड्थ और बड़ी करता हूँ, 185 कर देता हूँ, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं 3 दे देता हूँ। आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा सही नजर आ रहा होगा। अब जो है बटन की बारी, अब यहाँ पे जो है बटन हमें सही करना है। बटन को आप देख सकते हैं, बटन किस डिव में, मेन हमारा मेन डिव है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ बटन को ले रहा हूँ यहाँ पे मेन, और बटन को मैं यहाँ पे मेन के अंदर बटन, यहाँ देखने में किस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मेन है हमारा, मेन हमारी मेन डिव है, और उसके अंदर बटन का टैग यूज करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ देख लें मैं क्या ले रहा हूँ डॉट मेन और कोमा बटन, मतलब क्या है कि मेन के अंदर बटन को आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरह। आप मैंने क्लास ली मेन क्लास, उसके अंदर मैंने बटन में एक्सेस कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बटन पे मुझे थोड़ा सा विड्थ बड़ी करनी है, तो मैं विड्थ बड़ी कर देता हूँ, विड्थ 100 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, यहाँ पे कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये 1 मिनट यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है, अब हमारा ये जैसा था वैसा आ चुका है। देखिए मेन क्लास हमारी मेन थी, और उसके अंदर मैंने क्या लिया, एम आई एन ही लिया है मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने बटन को एक्सेस करा है, जितने भी बटन है तमाम एक्सेस हो जाएंगे। मैं इसका मार्जिन लेफ्ट करके देखता हूँ, मार्जिन लेफ्ट
10 पिक्सल, तो ये देख सकते हैं आप। नहीं, ये हमारी मेन ही एक्सेस हुआ है, बटन एक्सेस नहीं हुआ। अगर मैं सिंपल बटन लिखूं यहाँ पे, अगर मैं सिंपल बटन को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, बटन का टैग यूज कर रहा हूँ बटन। अब ये हो जाएगा विड्थ 20 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ जो है वो स्मॉल हो गई है इसकी। मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे विड्थ, मैं इसकी 50 पिक्सल कर देता हूँ। विड्थ कितनी रख रहा हूँ, 50 पिक्सल रख रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी हो गई है, थोड़ी सी स्मॉल कर देते हैं 40 पिक्सल। इज बेटर, 40 पिक्सल सही है। अब क्या करते हैं, अब इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 पिक्सल, तो ये ऊपर से 5 पिक्सल आ जाएगा हमारे पास। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 5 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, बिल्कुल हमारा परफेक्ट स्क्वायर यूआई बन चुका है। ये देख लें हमारा सिंपल यहाँ पे। अब मुझे इसके ऊपर होवर्स वगैरह मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे डॉट। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो तो बन चुका है। अभी हमने HTML देख लिया, CSS देख लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बटन, बटन को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं होवर्स का यूज़ कर रहा हूँ। होवर, होवर क्या होता है आप अभी हम जब लगाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर रेड, ये यहाँ देख सकते हैं आप। मैंने इसको रिफ्रेश करा, जब आप देख रहे हैं जिस बटन में लेके जा रहा हूँ तो वो रेड कलर का बन गया है। ठीक है, ये आपने देखा होगा आपके कैलकुलेटर में जो ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर तो बना चुका, बना लिया हमने कैलकुलेटर का। अब आपके जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बटन में ऑन ऑन क्लिक का फंक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑन क्लिक गेट एलिमेंट का एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ गेट एलिमेंट, और जो जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा। यहाँ देख लें मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन क्या करता है, ये जो मुझे फंक्शन कॉल करना होता है मैं उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ, और अगर पैरामीटर देना है तो आप पैरामीटर दे सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे 8 सेम थिंग यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी हम यही कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ क्या पास होगा, यहाँ होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, नीचे भी कॉपी कर रहा हूँ मैं। आपको समझे हर जगह यही यूज़ करना है, मतलब तमाम बटन में आप यही आप फंक्शन यूज़ करेंगे गेट, तो मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगा गेट एलिमेंट का। 4, 5, 6 एंड डिवाइड का, सॉरी डिवाइड, सेम थिंग यहाँ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यू पास करेंगे मैं पैरामीटर 1। यहाँ मैंने फंक्शन यूज करा, उसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं वैल्यू मैंने बटन पर रखी हुई वही मैं यहाँ पे पास करूँगा प्लस। जीरो डॉट इक्वल माइनस, ये हमने यहाँ पे पास कर दिए। अब आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले गेट फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, गेट फंक्शन। बना लेता हूँ गेट एलिमेंट के नाम से। मैं यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन का नाम क्या था, गेट एलिमेंट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। गेट एलिमेंट का फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसा नम जो है यहाँ पे मैं ऐसा वो ले रहा हूँ आर्ग्यूमेंट लेने के लिए, मैं
आर्ग्यूमेंट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं नम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और इस फंक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे मुझे गेट एलिमेंट का फंक्शन लिखने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो मैं इनपुट डिस्प्ले करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाया, एक आईडी बना रहा हूँ अपने इनपुट की। आईडी आईडी बनी हुई है, नहीं बनी, आईडी नहीं बनी हुई, आईडी मैं बना रहा हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट के नाम से मैंने एक आईडी बनाई, क्यों बनाई है आप देख लेंगे आगे हम यूज़ करेंगे इसे। अब मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरफ, मैं क्या कर रहा हूँ बार रिजल्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ उसके अंदर मैं जो भी मेरे पास डिस्प्ले हो रहा होगा वो यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के मेथड से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उसका आईडी पास कर रहा हूँ रिजल्ट, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बार बार नहीं रिजल्ट इज इक्वल्स टू, पहले मैंने क्या करा वो उस आईडी से रिजल्ट की आईडी से मैंने जो भी वहाँ पे आ रहा होगा हमारे इनपुट के टैग में तो वहाँ से वो सारा गेट करके लेके आ जाएगा यहाँ पे। और क्या कर दिया मैंने उसको, मैंने बराबर रख दिया नम के, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई वो जो भी हमारा इनपुट आया उधर से उसको मैं नम के बराबर रख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं प्लस इज इक्वल्स, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा प्लस इज इक्वल्स यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि कॉनकैटिनेट हो रहा है कि आप जो भी लिखेंगे जैसे आपने एक नंबर लिखा होगा तो दूसरा नंबर भी उसी के आगे आना चाहिए। अगर मैं प्लस नहीं लिखता तो क्या होता, तो पहला नंबर रिप्लेस हो जाता, दूसरा नंबर ऐड नहीं होता। इस वजह से मैंने क्या करा प्लस इक्वल्स टू नम यूज़ करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो बना लिया कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने जो भी रिजल्ट में आएगा मतलब जो भी, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना था मुझे डॉट वैल्यू भी लिखना था, डॉट वैल्यू ठीक है, रिजल्ट डॉट वैल्यू मतलब जो भी हमारे पास क्या होगा इनबॉक्स में इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास नम में जाके स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शन का मैं नाम क्या कर रहा हूँ गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट का एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं गेट रिजल्ट का फंक्शन मैं बना लिया यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ रिजल्ट बार बार रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिजल्ट की आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्या कर रहा हूँ रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू इवैल, इवैल का एक फंक्शन क्या होता है मतलब जो भी हमारे पास रिजल्ट की रिजल्ट में आया हो, रिजल्ट डॉट वैल्यू में आया हो वो क्या करते हैं एवेल्यूएट करते हैं, मतलब प्लस प्लस फंक्शन भी खुद ही सॉल्व करते हैं, माइनस भी खुद ही सॉल्व करते हैं। एवेल का फंक्शन जो होता है वो हम कैलकुलेटर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं एवेल का फंक्शन, ठीक है। तो हम अब इसे रन करके देखते हैं, पहले हम ये देख लें। अच्छा हाँ, रन करने से पहले यहाँ पे आपको गेट फंक्शन का जो मैंने फंक्शन बनाया उसे कॉल भी तो करना होगा। उसे हम कैसे कॉल करेंगे, जब आप इक्वल दबाते हैं तो ही हमारे पास आंसर आता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गेट रिजल्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट रिजल्ट, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगी, कोई कोई पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं होगा, ठीक है। देख लें गेट रिजल्ट और गेट रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। गेट रिजल्ट और गेट रिजल्ट सेम ही है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे रन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रन करने से पहले मैं यहाँ पे रिवेल में आपको क्या करना है, आपको रिवेल में रिजल्ट की वैल्यू पास करनी है, मतलब रिजल्ट में जो भी यूजर ने इनपुट करा होगा प्लस वो कोई नंबर इनपुट करा होगा सारा क्या हो जाए वो यहाँ पे पास हो जाए रिवेल के फंक्शन में, और इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आए ये इसे आउटपुट हमें दे देगा, और वो कहाँ चलेगा रिजल्ट डॉट वैल्यू में, यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ, मैं
यहाँ पर मैंने eval के फंक्शन में रिजल्ट डॉट वैल्यू ऐड कर दिया। डॉट वैल्यू भी अगर आप डॉट वैल्यू भी आपको ऐड करना होगा eval के फंक्शन में, क्योंकि जो जो वैल्यू रिजल्ट इनपुट करेगा वो यहाँ पे eval के फंक्शन में होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर में आते हैं, रिलोड करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 2 + 8 + 7 आंसर क्या आना चाहिए, 10 17 आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 17 हमारा आंसर आ चुका है। मैं माइनस वाला फंक्शन करके दिखाता हूँ आपको, 10 - 10 आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने यहाँ पे यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक सिंपल कैलकुलेटर आराम से फॉर्म कर लिया है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कौन कौन से हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।